भाषा का प्रयोग सरकार के नेतृत्व पर ना करें जिससे पूरी सरकार की साथ ही खत्म हो। कोई व्यक्ति हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का कोई मंत्री हो, मंत्रिमंडल के भीतर ही उनको जितनी बात करना है स्वतंत्र है, लेकिन उसके बाद यदि मुख्यमंत्री के संघीय व्यवस्था पर कोई चैलेंज करता है या बोलता है, मैं उसे सही नहीं मानता। हम लालू यादव जी से आग्रह करेंगे, चाहे शिवानंद भाई हो, चाहे जगदानंद भाई के परिवार हो, जगदानंद जी का रेस्पेक्ट कर, ऐसे लोगों को भाषा और तरीके पर अंकुश लगाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव बहुत ही गर्मा गए शिवानंद तिवारी पर और कहा कि शिवानंद तिवारी बदजुबान हो गए हैं और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की जो अभी राजनीतिक हालात हैं ये इन जैसे नेताओं के बयान के कारण ही है। सबसे पहले आप सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ करें। धर्म और राजधर्म और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ने के लिए ऐसे नेता जो बेजुबान है, बदजुबान, जो आपको भी राजनीतिक रूप से परेशान किया, आज आप भी जो शिकार हुए हैं ऐसे लोगों के कारण, उनको कहिए ऐसी भाषा का प्रयोग सरकार के नेतृत्व पर ना करें जिससे पूरी सरकार की साथ ही खत्म हो। शिवानंद जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ लोग खुश करने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए कुछ भी बोलते। इस गठबंधन धर्म की पूरी जिम्मेदारी सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के कंधों में, और आज पूरा वर्ल्ड राहुल गांधी को देख। कोई व्यक्ति हो, चाहे वो मंत्रिमंडल का कोई मंत्री हो, मंत्रिमंडल के भीतर ही उनको जितनी बात करना है स्वतंत्र है, लेकिन उसके बाद यदि मुख्यमंत्री के संघीय व्यवस्था पर कोई चैलेंज करता है या बोलता है, मैं उसे सही नहीं मानता। हम लालू यादव जी से आग्रह करेंगे, चाहे शिवानंद भाई हो, चाहे जगदानंद भाई के परिवार हो, जगदानंद जी का रेस्पेक्ट कर, ऐसे लोगों को भाषा और तरीके पर अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, शिवानंद तिवारी ने जिस तरीके से बयान दिया था बीते दिनों, उसके बाद से कहीं ना कहीं पप्पू यादव खफा हैं और आज पप्पू यादव ने शिवानंद तिवारी को जमकर खरी खोटी सुनाई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जी, कई वैसे नेता आपके दल में है जिसके कारण आप कि ये स्थिति हुई है, राजनीतिक ये स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बयान निकल कर आ रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है, और अगर मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया जाना लगे तो यह भी कहीं ना कहीं सही नहीं है, सरकार की साख पर असर पड़ता है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।